फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे आप? तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छे से टेबल आनी चाहिए और ज़्यादा बड़ी समझनी है। एक बार अगर आप एक सिंगल मल्टीप्लाई सीख गए ना, तो आप चाहे कितने भी बड़े मल्टीप्लाई, डबल, थर्ड, कितने बड़े मल्टीप्लाई आप आराम से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले टेबल आनी चाहिए। तो आज मैं आपको मल्टीप्लीकेशन ही समझाऊँगा कि कैसे करते हैं। तो चलो अब करते हैं। 9 3 27 7 यहाँ पे 2 कह रहे हैं, 9 2 18 18 प्लस 2 20 207 आपका आंसर। ठीक है, आंसर आ गया। अब ये सिंगल मल्टीप्लाई थी, अब मैं आपको बोलूँगा डबल मल्टीप्लाई में क्या करना है। देखो 9 6 54 और यहाँ पे 5 कर देंगे हम कैरी। 9 3 27 27 प्लस 5 28 29 30 31 32 32 सिंपल हम 32 लिख देंगे। ठीक है, अगर एंड में आ गया तो हम पूरा नंबर लिखेंगे कि कहीं पे छोड़ दिया। और फिर डबल मल्टीप्लाई तो एक यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। और फिर 6 1 3 1 3 तो अब हम इनको सिंपल क्रॉस कर देंगे इन नंबर को। ठीक है, 4 नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हम 4 का 4 लिख देंगे। ठीक है, सिंपल। 6 और 2 8 लिख दिया। 3 और 3 6 आंसर आपका आ गया 6 8 4 आपका आंसर। ठीक है, अब एक और समझ सिखाऊंगा और उससे अगले वाला आपको कमेंट में लिखना है उसका आंसर। ठीक है, और चलो अब मैं आपको ये वाला कराऊंगा, ये आपको कमेंट में आंसर देना है इसका। ये वाला 8 2 16 6 1 8 2 16 और 1 17 ये साइन लगा दिया। अब क्रॉस का साइन, अब 8 1 8 8 1 8 अब इनको हम सिंपल कर देंगे ऐड। 6 का 6 8 और 7 15 और 1 कैरी, 8 और 9 और 1 10 सिंपली आपका आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए और जिस ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।